अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कुछ दिनों से मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी कि मैं अपनी वीडियो नई अपलोड कब करूँगी, तो बदकिस्मती से मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है और वो रिपेयर के लिए गया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको उर्दू टाइपिंग बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। और मज़े की बात यह है कि यूट्यूब पर जितनी भी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं उनमें या तो आपको ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का बता रहे हैं जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको अलिफ़ बे ते ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, या फिर अगर आप इंग्लिश में टाइप भी कर रहे हैं तो आपके लिए दोबारा से स्विचिंग बैक ऑफ लैंग्वेज बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब उर्दू में टाइप के बाद इंग्लिश में टाइप करना चाह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, या फिर वो इतना ज़्यादा स्लो हो रहा है, कभी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं कभी कुछ, कि आप टाइपिंग से तंग हो रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ना, वो अभी तक इसके ऊपर किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लिखेंगे तो इंग्लिश में, मतलब ए बी सी डी लिख रहे हैं आप और वो कन्वर्ट हो जाएगा उर्दू में। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, लिखेंगे आप ए बी सी में और वो कन्वर्ट हो जाएगा अली पे पे में। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद स्विचिंग बैक ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें। और चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले आपको जीबोर्ड इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन स्टोर से। ये गूगल की ही एप्लीकेशन है। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। इसमें हम चले जाएंगे लैंग्वेजेस के ऊपर। लैंग्वेजेस में जाकर ऐड कीबोर्ड के ऊपर मैंने टच कर दिया और मुझे उर्दू पाकिस्तान चाहिए तो मैंने इसके ऊपर टच कर दिया। अब ए बी सी टू उर्दू वाले साइन को हम टच कर देंगे और सिंपल उर्दू वाले को हम अनचेक कर देंगे और इसको कर देंगे हम डन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट इंग्लिश और उर्दू पाकिस्तान वाला कीबोर्ड आ गया और ए बी सी टू उर्दू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि हम ए बी सी टू में लिखेंगे और हमारे सामने अली पे पे में लिखाई होगी। अब यहाँ से तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाकर हम लोगों ने लिखना है कीबोर्ड। जैसे ही हमने कीबोर्ड लिखा तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स आ गया। डिफ़ॉल्ट्स पे टच किया तो देखिए हमारे पास कीबोर्ड की सेटिंग्स जो हैं वो ओपन हो गई। बाकी के कीबोर्ड हम अनटच कर देंगे और सिर्फ जीबोर्ड हमारे पास अब रह गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इससे सिंपल लिखाई कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। तो सिंपल मैं अपने चले जाती हूँ कीबोर्ड के ऊपर। यहाँ से मैंने स्पेस बार को थोड़ी देर टच किए रखा और यहाँ से जाकर उर्दू के ऊपर टच कर दिया। तो अब मैं लिखूँगी इंग्लिश में और देखिए उर्दू में लिखा हुआ आएगा। मैं लिख रही हूँ कैसी हैं आप, मैं ठीक हूँ। और इसी तरीके से स्पेस बार को दोबारा टच किया, इंग्लिश के ऊपर टच किया, और अब अगर मैं लिखूँ कि हाउ आर यू तो ये कितनी आसानी से लिखा हुआ आया है, हाउ आर यू। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ रोमन में तो मैंने ऊपर जाकर दोबारा से दिखा देती हूँ, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर टच किया है और अब मैं लिखती हूँ कैसी हैं आप जनाब। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है यूज़ के लिए। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो इसका क्लिपबोर्ड का है। मतलब इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं टच करूँगी तो ये देखिए मेरे पास पूरा सारे के सारे जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किए हैं वो एक साथ ओपन हो गए हैं और मैं एक टाइम पे ये सारे के सारे पेस्ट कर सकती हूँ। तो ये कितना ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कि अगर मैं फेसबुक पे गई, स्क्रॉल डाउन करते हुए मुझे 5-6 पोस्ट अच्छी लगी तो मैंने 5-6 पोस्ट को एक साथ कॉपी कर लिया और एक साथ यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जबकि बाकी पोस्ट में आपको बार बार वहाँ से कॉपी करके और दोबारा से एप्लीकेशन को खोल कर पेस्ट करना होता है, जो कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। दोस्तों अगर आप लोगों को जीबोर्ड का कंप्लीट यूज़ सीखना है तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो। अल्लाह हाफिज़।